अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज़ विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए मोडे का, हमने दो स्लैब लिया है मिल्क चॉकलेट का और एक डार्क चॉकलेट का स्लैब लिया है। काजू लेंगे 4 टेबल स्पून, इसे चॉप कर लेंगे। बादाम को 3 टेबलस्पून लिया है हमने, इसे भी चॉप कर लिया है। किशमिश 3 टेबलस्पून। पहले हम काजू और बादाम को लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। इसके बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने सिलिकॉन मोल्ड लिया है चॉकलेट जमाने के लिए, और आप एल्युमिनियम का मोल्ड भी ले सकते हैं। पहले हम सिलिकॉन मोल्ड में इस तरह के पीसेस को हमने अरेंज कर लिया है सेंटर में। चॉकलेट स्लैब के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे 40 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और ये बाउल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, आपको इसका ध्यान देना है। इसके बाद इसे कंटिन्यूसली हम मिक्स करते रहेंगे जब तक ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। अब ये स्मूथ पेस्ट बन गया है। स्मूथ पेस्ट बनने के बाद आप इसके अंदर ये रोस्टेड हमारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो बिल्कुल ठंडे हैं। किशमिश भी डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और ये सिलिकॉन मोल्ड में हम ये चॉकलेट और नट्स का मिक्सचर को डाल लेंगे। चारों तरफ से इसे फिल कर लेंगे और इसे लेवल कर ले। फिल करने के बाद में इसे हम फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता है। एल्युमिनियम ट्रे में भी हम ये चॉकलेट मिक्सचर डालेंगे, इसे टैप कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो जाए। 15 मिनट के बाद हम इसके साइड्स को देखिए लूज़ कर लेंगे। अच्छी तरह से ये सेट हो गया है चॉकलेट। इसे डीमोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पीसेस है हम इसे निकाल लेंगे छुरी से और इसे फिनिशिंग टचेस दे देंगे। ये एल्युमिनियम ट्रे में भी चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे। फ्रूट एंड नट चॉकलेट तैयार है। आप इसे पीसेस में काट के इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।